नमस्कार, मैं राहुल नया उसको संगठित किया, अपना दल नाम से एक पार्टी बनाया। भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको कहने लगे कि ये तो जातवादी नेता है, एक जात के लोगों की पार्टी बना ली। उनके निधन के बाद उसकी बेटी अंकुरिया पटेल जब वो पार्टी चलाने लगी, तो आज वक्त ऐसा आ गया कि उनकी बेटी को बुला के केंद्र में ताज पहनाया जाता है, आओ मंत्री बन जाओ, अपने उसके पति को लाओ, उसको हम उत्तर प्रदेश में मंत्री बना दें और तुम भी पार्लियामेंट का चुनाव लड़ लो, अपना एक साथी भी पार्लियामेंट में लड़ा लो अपनी पार्टी से और हमको वोट करा दो, हमारे सहयोगी बनते कमल के फूल पर अपने समाज का वोट दिला दो। ये जो टिकड़म है, यही सेम संजय निषाद के लिए, ऐसे संजय निषाद और उसकी पार्टी जातवादी है, कोई सिद्धांत नहीं है। लेकिन संजय निषाद तुम मंत्री बन जाओ, अपने बेटे को एमपी बना लो, टिकट दे देते हैं और अपने समाज का वोट भारतीय जनता पार्टी को दिला दो। यही सेम राजभर के लिए, राजभर जातवादी है, कितनी कितनी बातें उनके द्वारा इनको, इनके द्वारा उनको, लेकिन उसको भी ताज पहना के उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बना कर उसके बेटे को टिकट दे करके आओ तुमको बेटे को हम बना देते हैं एमपी, तुम हो गए मंत्री, अपनी बिरादरी का वोट भारतीय जनता पार्टी को दिला। दारा सिंह चौहान को जनता ने खारिज कर दिया, लेकिन दारा सिंह चौहान तुम भी मंत्री बन जाओ, अपने समाज का वोट दिला दो। उसी प्रकार से केशव मौर्य जनता की अदालत में खारिज विधायक का चुनाव हार गए, लेकिन केशव मौर्य तुम डिप्टी सीएम बनो यूपी में, अपने समाज का वोट तुम्हें हमें दिलाना। ये जो टिकड़मबाजी का वोट है, ये ओबी समाज को जो गुमराह करके और उनके नेताओं को सुख सुविधा प्रदान करके उनके माध्यम से बीजेपी जो हासिल करने में सफल होती है, वो है वो राष्ट्रीय पार्टी। गठबंधन तो सपा भी करती है, उन्होंने भी पीडीए बनाया है। गठबंधन करती है तो सपा कहती है कि जातिगत जनगणना करा दो। मनोहर कांशी राम ने कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, 5% जनसंख्या वाला 95% पे कब्जा कर ले। माननीय अखिलेश यादव जी कहते हैं कि भाई जातिगत जनगणना करा दीजिए और जातिगत जनगणना के आधार पर जिसकी जितनी संख्या है उसके हिसाब से उसको हिस्सेदारी दे दीजिए। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी भी इस नीति के समर्थक हैं। माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए बनाया है तो उन्होंने कहा है कि पिछड़े को, दलित को और माइनॉरिटी को फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि ये पिछड़ गया है, इसको समाज की मुख्य धारे में लाने के लिए ज़रूरत है कि इसको केयर किया जाए। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगली जातियों को कोई स्थान नहीं है। अभी राज्यसभा का चुनाव आया था, जो टिकट दिया उन्होंने, तो किसको टिकट दिया? आलोक रंजन क्या थे? जयाप्रदा क्या है? समाजवादी पार्टी सम्मान हर जाति का करेगी, लेकिन फोकस करना चाहती है कि जो पिछड़ गए, जिनके हक हिस्से लूट लिए गए हैं, उनको हक हिस्सा दिलाया जाए, इसकी पक्षधर है। कल प्रधानमंत्री गाजीपुर में रैली कर रहे थे, आपने उनका भाषण सुना? हाँ बिल्कुल, एक एक शब्द सुना। तो क्या कहा था प्रधानमंत्री ने? आपको हम बताएंगे, आप बताइए। इसलिए पूछे कि आपने जो नैरेटिव कट करने की बात कही, आपके यहाँ प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री ने कल अपने भाषण में कहा कि मैं जब तक जिंदा हूँ एससी का, एसटी का और ओबीसी का आरक्षण खत्म नहीं करने दूंगा इंडिया वालों को। प्रधानमंत्री तो अपनी रैलियों में बोलने लगे कि ये अडानी और अंबानी टेम्पू में पैसा भर भर के ले जाके कांग्रेसियों को दे रहे हैं। गांव देहात में हमारे यहाँ एक तरीका देखा गया है, बच्चों को बुखार होता है जब 104 डिग्री से ऊपर गया तो बच्चा पकपक पकपक करने लगता है, उसको खुद ही पता नहीं, उसके बाप माँ बाप भी सुन के अवाक हो जाते हैं, ये भाई कोनो हवा का असर में आगे का बोले लगा। उसी तरह हमारे देश के प्रधानमंत्री जैसे 104 डिग्री से ज़्यादा बुखार वाले बच्चे बकबकाते हैं, उस तरह बकबका रहे हैं। भैंसी आपन संभाल लिया जा, दो गो भैंस मत, एगो भैंस खोलवा लिया,
इंडिया गठबंधन आ जाए तब मंगल सूत्र बचावल मुश्किल हो जाए। जरा पास दू गो घर बा एगो घरो ले ली हम तो इंडिया गठबंधन का भूत सर पे चढ़ गया। बोल रहे आपके यहाँ अखिलेश यादव बहुत दिन बाद आए थे, प्रधानमंत्री ने कल कहा कि अखिलेश यादव इस समय कहते थे कि सपा में जो है माफियाओं की एंट्री नहीं होगी और आजकल जो अखिलेश यादव खुद ही उनके प्रधानमंत्री के शब्द है उनसे कृपा पूर्वक पूछिए कि ब्रजेश सिंह से प्रचार कराने की नौबत आ गई ना, बिना पेरोल के सुभाष ठाकुर को बुलवा करके बीएचयू के एयर कंडीशन ब्लॉक में इलाज कराने के नाम पर रख करके वहां से प्रचार कराने की नौबत आ गई ना, कि क्या महात्मा लोग हैं कि शंकराचार्य लोग हैं। ब्रजेश सिंह मंच पर मोदी कोर्ट मांगे और वो तो अपने आजीवन कारावास की सजा काटते हुए बिना पेरोल के अदालत के इलाज करा। आप क्या दिखा रहे हो, आईना उनको दिखाओ जो कैरेक्टर की बात करते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मोदी के क्षेत्र में बीएचयू के कैंपस में जो बेटियों के साथ व्यवहार हुआ, अब बनारस से आए हो बताओ किस तरह से उनको नंगा और उनकी नग्न चित्र लेकर और जिस तरह से उनके साथ अपमान, उनका चीरहरण। और निकले कौन वो जिनको मोदी जी गुलदस्ता देते हैं, जो मोदी जी की सेवा में दिन रात लगे रहते हैं, जो मोदी जी और वो डेली ट्विटर के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। क्या इरादा है उनके बारे में जो मध्य प्रदेश ले जाए। ये बीएसएनएल है 9415020279 इसी पे आपसे बात होती है। हमने भी लेकिन ये कौन है लाइन में लगे थे शाम को लिए थे 8 बजे। तो ये बीएसएनएल सरकार की तरफ से अपने हर संसद सदस्यों को दिया जाता है। सबसे उत्तम टेक्नोलॉजी और मशीनें हमारे पास थी, आज मिट्टी में मिल गया है। और वो जियो जो अभी जन्म हुआ था वो आकाश की बुलंदियों में है। ये है कृपालु महाराज का विकास, माननीय मनोज सिन्हा। कब 2G के नीलामी करने वाले तो जेल की खावा खा लिए, और जब कब 4G नीलाम हो गया, कब 5G हो गया, अब कब मिट्टी में मिल गया हमारा बीएसएनएल, ये सवाल देश की जनता पूछ रही है मनोज सिन्हा से। क्योंकि ये संचार मंत्री फुल फ्लेज थे, न इनका कोई राज्य था न इनका कोई कैबिनेट था, ये फुल फ्लेज मंत्री थे। पता नहीं क्यों इस सवाल पे आप लोग छटक जाते हैं कि नहीं पूछने लायक नहीं। आदर्श हम लोग का सवाल पूछते भी है, लेकिन अब वो जब से उपराज्यपाल है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आदर्श की बात करते हैं। बहुत बड़े आदर्श हैं वो राजनीति के। कभी पूछा संजय शेरपुरिया जो ईडी कहती है, हम नहीं ईडी, जो एसटीएफ कहती है पुलिस कहती है कि ये महाठग है, उसकी उपाधि महाठग संजय शेरपुरिया, क्या रिश्ता है सिन्हा जी से? महाठग संजय शेरपुरिया से सिन्हा जी का क्या रिश्ता है? 25 लाख रुपया अपने अकाउंट से मनोज सिन्हा के चुनावी फंड में अकाउंट में 25 लाख रुपया उसने 2019 में चुनाव लड़ने को दिया। अब गाजीपुर का चुनाव मनोज सिन्हा ने महाठग के पैसे से लड़ा। इनका अकाउंट बोलता है, इन्होंने जो निर्वाचन आयोग को अकाउंट का नंबर दिया, जो खर्च दिया, जो आमदनी दी, उसमें वो बोल रहा है ये 25 लाख रुपया संजय शेरपुरिया, महाठग संजय शेरपुरिया। मनोज सिन्हा कहते हैं पैसा तो दे दिया था, लेकिन अब पूछते हैं कि मिल जाए तो तिहाड़ में कहाँ से मिल जाए, आप वहाँ कहाँ से वापस कर देंगे? आपको चुनाव लड़ाने का बजट संजय शेरपुरिया महाठग देता है, ये सवाल नहीं बनेगा। ऐसे लोगों से ही लोग तो सीधे बैठूं से आए हैं, 100 गुना करेंगे उनसे सवाल नहीं बनेगा। लेकिन जनता में तो सवाल बनेगा, और जनता में सवाल बनता है तभी 3 बार जीते हैं, 3 बार तुम बंदी। एक तो मेरी वजह से जीत गए, 2014 तो मैंने जिता दिया, ऐसे जैसे लड़ा दिया बीपी यादव को, अपनी कौमी एकता दल बनाए थे, मेरा गलत फैसला था, यहाँ से मैंने बीपी यादव को कैंडिडेट बना दिया, 80,000 वोट पाए, और मनोज सिन्हा 30,000 वोट से जीत गए, यानी 50,000 वोट से हारते। आप लड़ते तो 50,000 वोट से हारते,
हम लड़ते, हम ना लड़े होते, आप लड़ते तो हम लड़ते तो चुनाव में भी आते, हम लड़े होते तो 2 लाख हमारा टिकट ना कटा होता तो उसकी तो बात ही अलग है। हमारा टिकट, हमारा तो मुकाबला आमने सामने जब हुआ है तो 2,27,000 मनोज सिन्हा को वोट मिला है, 1,88,000 बसपा को वोट मिला है, 1,85,000 त्रिकोण लड़ाई थी, हमको वोट मिला 4,17,000। इस बार लड़ाई कैसी है, आपको लगता है त्रिकोण है? त्रिकोण भैया है, तीनों लड़ रहे हैं। आप अपनी जीत इस बार कितनी बड़ी मानते हैं? मैं 4 तारीख को देखूंगा कि गाजीपुर की जनता मेरा लिए क्या फैसला देती है, और मैं चाहूंगा कि उस फैसले को, जो भी वो फैसला दे, मैं तो सर झुका के स्वीकार करूंगा, आप भी कृपा करके स्वीकार करिएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अक्षय पाठक के साथ था। तो दिखाओ जो कैरेक्टर की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मोदी के क्षेत्र में BHU के कैंपस में जो बेटियों के साथ व्यवहार हुआ, अब बनारस से आए हो बताओ किस तरह से उनको नंगा और उनकी नग्न चित्र लेकर और जिस तरह से उनके साथ अपमान, उनका चीरहरण, और निकले कौन वो जिनको मोदी जी गुलदस्ता देते हैं, जो मोदी जी की सेवा में दिन रात लगे रहते हैं, जो मोदी जी और वो डेली ट्विटर के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, क्या इरादा है उनके बारे में? जो मध्य प्रदेश ले जाए जाते हैं, चलो YP सेल वालों वहाँ नैरेटिव खड़ा करो, दूसरे के ऊपर कीचड़ फेंक देने से अपने को आप स्वच्छ नहीं कर सकते, अपनी स्वच्छता को परखिए, किसके लिए कर रहे हैं अपने ऊपर सोचे। अब आप ब्रजेश सिंह को कहिए, मोदी जाकर के मन से बोले बनारस में कि ये शंकराचार्य हो गए, उनको शंकराचार्य की डिग्री दे दें, सुभाष ठाकुर को शंकराचार्य बना दें, उनको सारे शक्तियां प्रदान की गई हैं, प्रदान है, विदाई निश्चित है 4 तारीख को, चाहे कुछ कर लें। अभी जो कल चुनाव हुआ है, हमसे ज़्यादा आप तेजी से पता लगाते हो क्योंकि हर जगह आपके लोग हैं। पिछली बार 6ठे राउंड में जितनी संख्या थी उस संख्या के आधी भी रह गई, इस राउंड का उससे बुरा असर होगा। आपके साथ जो है आपकी बेटी ने भी नामांकन पत्र भरा है, इसका कोई विशेष कारण रहा है? कोई खास कारण नहीं है, कोई भी डमी कैंडिडेट भरता है वो भी डमी कैंडिडेट भरी है, उसको शौक है करने का, समाज सेवा करने का, घूम रही है, चल रही है, वोट मांग रही है अपने लिए, ठीक है, सीखेगी, ट्रेन हो जाएगी। मनोज सिन्हा के बेटे को अधिकार है प्रचार करने का, अफजाल अंसारी की बेटी को नहीं है, अच्छा, वो राजनीति नहीं कर सकती। आपसे ये पूछा जाए कि आज अगर अफजाल अंसारी की जगह उनकी बेटी चुनाव लड़े तो आप दोनों लोगों में कौन ज़्यादा वोट पाएगा, बेटी या आप? मनोज सिन्हा से जाके पूछिए कि आपकी जगह आपका बेटा चुनाव लड़ेगा तो आप ज़्यादा वोट पाएंगे कि बेटा चुनाव पाएगा? मनोज सिन्हा मिलेंगे तो उनसे भी पूछेंगे। हाँ, उनसे बेतुका सवाल है, हमारी बेटी है, हम तो उसको अपना वारिस डिक्लेयर कर चुके हैं, आज या कल जब कभी हम राजनीति से हट जाएंगे या हटा दिए जाएंगे किसी साजिश के परिणाम स्वरूप, तो मेरी बेटी के अंदर वो गुण है कि वो संभालेगी इस विरासत को। बेटों ने संभाल लिया, मुख्तार का बेटा मऊ विधानसभा क्षेत्र से, देखिए देख के जलने से कुछ नहीं होता है, जलने वाले जल के भस्म हो जाते हैं, जनता जिसे चाहती है वो मुकाम दे देती है। मुख्तार जेल में है, बेटा विधायक हो गया, बड़े भाई सिब्बतुल्ला अंसारी साहब बूढ़े हो गए, उन्होंने अपने बेटे को लड़ा दिया, वो भी विधायक हो गया, और अगर आपको मेरी बेटी देख लीजिए मिल लीजिएगा, अगर लगेगी ऐसा तो हमारा परिवार पुरखों के जमाने से बेटा बेटी, डॉक्टर एम ए अंसारी साहब की बेटी जेल गई है स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में, दोहरा बेगम, पुरखों के समाने जमाने से हम देश को स्वतंत्र कराने की लड़ाई लड़ चुके हैं, हमारे घर की बेटे और बेटियां लड़ चुकी हैं, किसी के साथ हुकूमत की ताकत उसको प्रोजेक्ट करेगी और किसी को गरीब जनता प्रोजेक्ट करेगी, वक्त आएगा तो बेटी भी मैदान में आएगी, लड़ेगी,
लड़े, हो सकता है मैं साजिश का शिकार हो जाऊं, तो वो उसका चेहरा, उसका उसको ये क्षेत्र, जनता उसे स्वीकार करेगी तो मैदान में हवा निकल रही है भारतीय जनता पार्टी वालों को कि हम तो इस पीढ़ी में मुकाबला कर ही नहीं सके। दो बार आए मनोज सिन्हा सामने मेरे, एक बार 2,27,000 से, दूसरी बार 1,20,000 से। इस बार तो कदम ही पीछे खींच लिया। इस बार पारस नाथ राय हैं। अरे तो पारस राय लड़ रहा है कि मनोज सिन्हा लड़ रहा है? आज की डेट मनोज सिन्हा कहाँ है, पता ही कहाँ है? हाँ, पिछले 4 दिनों से तो बनारस थे। बनारस थे कि गाजीपुर में नहीं थे? छुपाइए उसको, 21 से 25 का मुझे पता है कि वो बनारस थे। छुपाइए उसको, कल भी यही थे, परसों भी यही थे, जिस दिन उनका डिक्लेयर हुआ उसके 2 दिन के बाद से यही है। जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घुस गए, एयरफोर्स के वाहन पर अटैक कर दिया, एक बहादुर ऑफिसर मारा गया, 4-5 घायल। आप यही मन धक्का रहा, पारस को क्या करें? पारस को तो दुनिया हम क्या करेंगे, पूरा गाजीपुर जानता है कि उनके एक असिस्टेंट हैं पारस। चुनाव मनोज सिन्हा लड़ रहा है और मनोज सिन्हा का पूरी व्यवस्था, पूरी सरकार डबल इंजन लड़ रहा। आज भी देवता आ रहे हैं, कल भी देवता आए थे, पर्चा दाखिल कराने के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री आए, प्रचार शुरू करने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आए, कल प्रधानमंत्री आए, आज धर्मावतार गृह मंत्री आ रहे हैं, मुख्यमंत्री आ रहे हैं। देखिएगा गाजीपुर, आप ही कह रहे हो कि चर्चित सीटों में है, हम भी चाहते हैं कि सारे लोग आने, फैसला जनता को देना है। 4 तारीख को जो जनता फैसला दे, अगर लोकतंत्र मानते हैं तो उसे जनादेश मान के स्वीकार करिए। आपकी इच्छा के खिलाफ अगर जनता फैसला देती है तो आपको पछता नहीं, फिर उसमें 100 कमियां निकाल देंगे, ये तो जातवाद की वजह से ऐसा हो गया, ये क्यों नहीं कहते कि सारा तिकड़म यहाँ लगाया गया। मंच पे तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी भी बैठे थे, संजय निषाद भी बैठे, सब थे ना। फैसला चार का देखिएगा, उसके बाद क्या करिएगा? मुख्तार कबर में से बहुबल दिखा दिए, क्या कहिएगा बोलिए? इस बार जनता मुंह बंद कर देगी, जनता मुंह बंद कर देगी, भकुआ के ताकना पड़ेगा कि हाँ कुछ है मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरी सेवाओं के लिए। हम ऐसे लोगों के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं समझते जो पहले से बायस्ड है किसी के पक्ष में। हमारी जनता हमारे लिए, हमारी नसीब को लिखने वाली वही महान जनता है। 50 साल हो गया, मोदी जी भी उसी साल शुरू किए चुनाव लड़ना जिस साल हम शुरू, अरे मनोज सिन्हा 10 चुनाव मोदी मनोज सिन्हा लड़ चुके, 10 चुनाव हम भी लड़ चुके, 11वां लड़ रहे हैं हम। 10 चुनाव में 7 चुनाव हारे हैं मनोज सिन्हा, लेकिन बड़े लोकप्रिय हैं, बहुत बड़ी पार्टी के नेता हैं, प्रधानमंत्री के गोद में बैठने वाले हैं, लेकिन 7 बार हारे हैं। ये गाजीपुर में हारे हैं और अफजाल अंसारी 7 बार जीता है, गाजीपुर में जीता है। जात और कौम की आबादी 10% है, लोगों का दिल जीता है, लोगों के दिल में अपने लिए विश्वास पैदा किया, उनकी तरह से नहीं कि मेरे जाति के और बड़े लोगों को कुछ थोड़ा सा तवज्जा देके ठीके में कमवा दिया, कुछ इधर उधर करा दिया और वही बाजा बजा रहे हैं विकास पुरुष विकास पुरुष। आपके जैसे मीडिया, इतनी बड़ी मीडिया, एक सवाल कर सकते हैं आप उनसे, हिम्मत है कि 4,00,000 करोड़ रुपया भारत सरकार का लगा था BSNL में, वो BSNL सिस्टम पूरा ध्वस्त कर दिया मनोज सिन्हा ने, 4,00,000 करोड़ रुपया बर्बाद किया भारत सरकार का, भारत की जनता का पैसा। सवाल जनता पूछती है, इसका उत्तर आपके पास नहीं है। सवाल गाजीपुर की जनता पूछ रही है कि आप 10 साल से एयरपोर्ट शुरू करने वाले हैं, अनहू एयरपोर्ट 2019 में मोदी जी ने और सिन्हा जी ने दोनों कहा था बस एयरपोर्ट अनहू शुरू होने जा रहा, आज तक तो नहीं शुरू हुआ। आप पूछ सकते हैं मोदी जी से कि भारत दुनिया का विश्वगुरु हो गया आप ही के अनुसार,
तो इस विश्व गुरु बनने वाले देश में अपनी एक एयरलाइंस नहीं है, है एयरलाइंस थी, इतिहास बन गई, बेच दिया एयरलाइंस को आपने टाटा के हाथ से। अमेरिका और जापान को छोड़ो, बांग्लादेश के पास अपनी एयरलाइंस है, श्रीलंका के पास अपनी एयरलाइंस है, पाकिस्तान के पास अपनी एयरलाइंस है, भारत के पास अपनी एयरलाइंस भी नहीं है। बात बड़ी बड़ी भका भक करने से नहीं हो जाएगा, धरातल पे है क्या हमारे पास? कर्जा हमारे ऊपर 4 गुना बढ़ गया, जो मोदी जी आए थे उसमें 4 गुना की वृद्धि हो गई। भाजपा तो कहती है पूर्वांचल में सबसे ज्यादा विकास ही भाजपा ने कराया, कराया है गाजीपुर सड़क 4 लाख करोड़ का हिसाब जब पूछती है जनता तो भाजपा, आप पूछ के भाजपा का जवाब दे दो, या आप इतने बता दो आपके पास BSNL का सिम है, बोलिए। हमारे पास तो BSNL का सिम है, एक एयरटेल एक BSNL के साथ एयरटेल लिए बगैर काम चला के निकाल, हम तो दोनों सिम रखते हैं, दोनों का रखते हो मिट्टी में मिल गया। ये वो सिम था जिसको सांसदों को दिया जाता था कि ये 100 सिम ले जाइए और इस सिम को बहुत खास लोगों को दीजिए, लाइन लगती थी हमारे पास, हमने भी लाइन में रख के लिया था बहुत लंबी, हमारे पास भी ये BSNL है 9415020279 इसी पे आपसे बात हो, हमने भी लेकिन ये कौन है लाइन में लगे थे शाम को लिए थे 8 बजे, तो ये BSNL सरकार की तरफ से अपने हर संसद सदस्यों को दिया जाता है, सबसे उत्तम। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से, देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले सबसे सटीक केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।